को एक तो लगाना कैसे है और फिर लैशेस को रीयूज कैसे करना है, ठीक है? सो अगेन लेट्स जस्ट वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल. व्हाट इज दिस? आई डोंट वांट राइट नाउ. आई एम गोना हैव खाना देन आई हैव. नो फर्स्ट शो मी द बबल देन. नो 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 नॉट राइट नाउ. ओके गाइस आई एम बैक अगेन लाइव क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे, जनरली भी पूछते हैं कि अच्छा सो जनरली लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि लैशेस को री यूज कैसे कर सकते हैं और दूसरा कि लैशेस को लगाते कैसे हैं, ठीक है? सो आई थॉट दैट यू नो लाइक आई क्विकली डू अ लाइक अ क्विक ट्यूटोरियल ऑन दिस. अच्छा मैंने जो है वो अपनी लैशेस को रिमूव कैसे करना है, एक तो ये है कि अपनी अपनी ओन लैशेस पे से कैसे रिमूव करना है, ठीक है ना? अब ये मेरी लैश है, ये लगी हुई है, ये एक लैश मैं उतार चुकी हूँ, ठीक है? अब रिमूव कैसे करना है, ये जो लैश मेरी लगी हुई है, ठीक है, रिमूव आपने उसको इस तरीके से नहीं खींचना है कि जी आप ऐसे बिल्कुल सामने से इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है? बिकॉज आपकी अपनी लैश भी निकल आ सकती है. आपको क्या करना है, आपको साइड से जो है वो हल्का सा इसको ढीला करना है, और चाहिए तो खैर ढीली ऑलरेडी हुई भी थी, और इसको फिर ऐसे करके पील ऑफ करना है, ठीक है ना? अब ये ऐसे चिपकी हुई है मेरे आंखों से, लेकिन इसको इस तरीके से पील ऑफ करना है, ठीक है? सो लैश जो है वो अगर आप बिल्कुल इसको जिस तरह लगी हुई होती है इस तरीके से यूं करके सामने की तरफ खींचेंगे तो आपकी अपनी लैशेज निकल सकती हैं, ठीक है? तो आपको किस तरीके से निकालना है, लाइक मैं आई सेड यू हैव टू पील ऑफ द लैशेज, ओके? अच्छा जी, अब जब ये लैशेज जो हैं ये निकल आई हैं, अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये रेजिड्यू है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया, ठीक है, राइट हियर दिस बैंड, ओके, दिस बैंड हैज़ द रेजिड्यू ऑफ द ग्लू. सो अब इसको जो है वो साफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है? अब इसको साफ़ कैसे करेंगे कि आपने इस तरीके से इसको पकड़ना है लैश को, ठीक है, लैश को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद आप जो हैं यहाँ से लैश को आपने पकड़ना है बालों के हिस्से से, ठीक है, और उसके बाद आप जो ये इसका जो बैंड है ना इसके ऊपर से आपने ये इसकी ग्लू को उतारना शुरू करना है, ठीक है? ये अगर आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, पर ये यूं करके बैंड से जो है वो ये ग्लू को उतारने शुरू करना है, ठीक है? सो नाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस ग्लू, जितना भी रेजिड्यू है ये आप इसको हटाएंगे और जाहिर है आपकी उंगली पे जो है वो रेजिड्यू उसका आते जाएगा. अब देखें ना जैसे कि ये मेरी उंगली पे ये इसका जो ग्लू है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? फिर आप उसको ऑफ कोर्स यू नो अपनी फिंगर पे थोड़ा सा रोल ऐसे करके आप यू नो उसको ग्लू को जो है वो आप हटा देंगे. सो मैं आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई डोंट नो कि कितना विजिबल हो रहा है, लेकिन ये है कि इस तरीके से आपको अपनी लैश की बैंड पे से जो है वो ग्लू उतारनी है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये बैंड के ऊपर से ग्लू उतर गई है, अब ये लैश आपकी वापस से बिल्कुल सही सलामत है ये लैश, ठीक है? आप इसको जो है वापस से इस किट के अंदर जो है वो आप इसको इसी तरीके से आप इसको इसके अंदर ऐसे करके इसको लगा देंगे, ठीक है? दिस इज द बेस्ट वे टू सेव योर लैशेज सो दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू री यूज इट, ओके? Now what I'll do is I will show you कि लैश लगानी किस तरीके से, ठीक है ना? तो अब ये जो लैश है ये मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ बिकॉज यू नो अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिड्यू आया हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ. सो दिस आई एम गोइंग टू या क्लीन ऑफ दिस रेजिड्यू एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लैशेज अगेन, ठीक है? ओनली जस्ट टू शो यू गाइज, इवन दो कि आई एम डन विथ माई चैलेंज, आई एम डन विथ एवरी थिंग, मेरा मेकअप लुक भी कम्प्लीट हो चुका हुआ है जो कि आप लोग देख रहे हैं. आज मैंने थोड़ा सा बेबी डॉल लुक टाइप जो है ना वो देने की कोशिश की है, समथिंग विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी समरी एंड वेरी प्रिटी, ऑल ऑफ दैट. अच्छा जी, अब ये लैश मेरे हाथ में है, ठीक है, ये इसका बैंड है, ये इसका बैंड है, ठीक है? अब मैं जो हूँ वो अपनी लैश ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत जल्द अब अवेलेबल हो जाएगी ऑन द वेबसाइट, विच इज़ द 10 सेकेंड आई लैश ग्लू, ओके? तो आपने ये ग्लू को खोलना है, ये इसका पतला सा एप्लीकेटर है, इसको जो है वो आप बिल्कुल पतली सी एक लाइन आप इसकी लगाएंगे ग्लू की, ठीक है?
ऑल द वे टिल द फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। इस तरीके से आप पतली सी एक ग्लू लगा लाइन लगाएंगे ग्लू की, और इसको आप 10 सेकंड तक इसको थोड़ा सा फूक मारेंगे। अच्छा जी, अब जो है वो आपको किस तरीके से लैश लगानी है। ओके, नाउ लेट मी ट्राई एंड ओह गॉड ट्राई एंड जूम इन एंड मेक यू रियली रियली सी दिस फ्रॉम क्लोज। ओके, हाउ यू आर गोइंग टू, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आपको आँख नीचे करके, ठीक है, आँख नीचे करके आपको इस तरीके से लैश को सबसे पहले प्लेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको आँख अपनी नीचे करेंगे, इसको इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा झपके नहीं अपने आँख, ठीक है। और जो सेंटर का जो हिस्सा है, ठीक है, सेंटर के हिस्से को हल्का सा आप ऊपर देखेंगे और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से इसको थोड़ा सा जोर दे देंगे, ठीक है, ताकि वो चिपक जाए, जो ये इसका इनर कॉर्नर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आउटर कॉर्नर है उसको आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा उसको लिफ्ट करना है या नहीं लिफ्ट करना है, आपको क्या करना है आउटर कॉर्नर के साथ। मैं जनरली थोड़ा सा उसको लिफ्ट करती हूँ और फिर आप थोड़ा सा इसमें जोर देंगे आईलैश की पूरी बैंड के ऊपर। और ये लैश जो है ये चिपक चुकी है, सो दिस लैश इज ऑलरेडी लग चुकी है ये लैश, क्योंकि ये ग्लू मेरी इतनी अच्छी और ज़बरदस्त और इतनी ये फास्ट ड्राइंग है कि आपको जो है वो उसको चिपकाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अब मैं इसको इस तरीके से लिफ्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये कि थोड़ा सा मुझे लिफ्टेड जो है वो लैशेस का लुक चाहिए है। सो आई एम लिफ्टिंग दीज लैशेस अ लिटिल बिट जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट मोर प्रोमिनेंस, ठीक है। तो आप ये आराम से इसको लिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको लिफ्ट करेंगे और ये जो लैशेस हैं ये आपकी चिपक चुकी हैं। बाय।